आइए ना, आइए आइए, अब हम आपको दिखाते हैं हमारा छोटा सा मकान। इसे छोटा ना समझना, मिनी महल है, मिनी मिनी राजमहल। हाँ, क्या बात कर रहे हो, राजा की तरह रहना, एकदम शानो शौकत, बोले तो एकदम झकास, ठीक है। हरिचंद्र को अपना बिल महल ही लगता है। क्या नहीं देना मुझे मकान, जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे गलती हो गया, गलती हो गया, बिल को ना महल की तरह सजाएंगे पूरे शानो शौकत से। ये ना बूस्टर डोज था, डोज दिए बिना तुम लोगों की अकल ठिकान नहीं आती, वरना पूरे शहर में इतने कम बजट में इतना अच्छा मकान तुम्हें कैसे मिलेगा। चाहो तो आप जाओ और शहर की चारों दिशाओं में घूम घूम कर, घूम घूम कर 100 चक्कर लगा के आओ, और अगर मिल गया तो वही रह लेना खुशी से। शुक्र है बनाने वाले का, उतनी अकल भर के भेजा है हमारे छोटे से दिमाग में, है ना समीर। तुम मुंह बंद कर अपना और चल चुपचाप आओ। ये महाशय इंटेलिजेंट लगते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ लो, आ गई हमारी मंजिल, मेरा मतलब मेरा मकान। अब खुलता हूं ताला, लेकर अपनी महबूबा का शुभ नाम। खुल गया किस्मत का ताला, बड़े आसानी से खुल गया। ताला है, जितने प्यार से डालोगे उतने प्यार से खुलेगा चाबी। अब बाहर से देख लिया ना, आओ अंदर से दिखाता हूं। बाहर से तो ठीक है, पर बाहर से अंदर का अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना। एक बार गलती कर चुके हैं, वही गलती दोबारा नहीं करेंगे, है ना आनंद। ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे पूछ के मुंह मार रहा था। गुगली डाली नहीं कि लगा छक्का मारने, अब मैं पिछले वाले फ्लैट की बात कर रहा था। बाहर से तो एकदम चकाचक कुंवारी हीरोइन की तरह लग रहा था, अंदर जाके देखा तो अलीबाबा की गुफा निकली। आप लोगों का T20 खत्म हो गया तो अपना अपना हाथ में ले लो ना सामान। अबे गधो, अपनी अपनी बैग उठाओ और मेरे साथ चलो अंदर। अंदर बहुत कुछ दिखाना बाकी है तुम लोगों को, न जाने कहां कहां से किस कूड़ेदान से चले आते हैं गधे कहीं। अबे गधो बोला छोड़, राजा भोज को गंगूतेली बोलने से राजा भोज गंगूतेली नहीं होता, चल तू। हाँ अब हम आपको दिखाते हैं हमारा हाँ है? होल क्या चैन खाना, तो थोड़ा जल्दी दिखाइए ना, हम बेहाल हो रहे हैं आपका होल देखने के लिए। होल देखने के लिए इतना बेहाल तो देखा, ठीक से देख लेना, बाद में बोलना नहीं मैंने ठीक से दिखाया नहीं था। बाहर से दिखाओगे तो ठीक से दिखेगा नहीं, अंदर से दिखाओगे ना तो देखने में मजा भी आएगा। मजा आएगा? अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ और तुम क्या देखना चाहते हो। अब जो भी दिखाएंगे ना हम प्यार से देख लेंगे, है ना समीर। ऐसा बोलते हो जैसे आपको है ही नहीं, मतलब आपके घर में होल नहीं है। कभी कभी तो डाउट आता है आप पे, चलो अंदर। वैसे काफी बड़ा है आपका हॉल। है ना बड़ा, क्या है ना, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम साइज का होता है। आपका कितना है? क्या घर का हॉल? हमारे घर में तो हॉल है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये अच्छा है ना, 15x20 का बड़ा हॉल विथ फर्निश। फर्नीचर कहाँ है फर्नीचर, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये क्या है, कोच? ये ऐसा वैसा कोच नहीं है, खास ऑर्डर देके बनवाया मैंने इसे, सालों लगे इसे बनवाने के लिए। ये कलर तो देखो, ये टाइल तो देखो, ये कलर
अमेरिका से मंगवाया मैंने और ये टाइल अफ्रीका से। अफ्रीका से? तो फिर टाइल सफेद क्यों है? क्या है ना, अफ्रीका की हर चीज काली नहीं होती। ये देखो, दो बड़ी बड़ी खिड़कियां, खिड़की खोलते ही एयर कंडीशन एकदम ताजी शुद्ध हवा। ये देखो, खिड़की खोलते ही सामने गार्डन दिखाई देता है। अगर बोर हो गए ना तो यहाँ कुर्सी डालने का और पेड़ पे खिलते हुए फूल देखने का। कहाँ है गार्डन? बाहर की इंद्रजी की हरित क्रांति है, और पेड़ पे फूल नहीं है, काटे ही काटे। निकलो निकलो बाहर, मुझे नहीं देना तुम्हें माफा, निकलो बाहर। दिखा 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 ना, वाह क्या गार्डन है, क्या फूल है, क्या खुशबू है। इस बाजू में क्या है? नहीं नहीं नहीं, इस खिड़की को मत खोलना, इस तरफ देवी और सज्जन रहते हैं। तो हमें भी दिला दो ना दर्शन। नहीं, वो सिर्फ मेरे ही दर्शन करते हैं। और आप सिर्फ होल ही देखते रहोगे या और भी कुछ देखना है? मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, फॉलो मी। पीछे का तो आपने दिखा दिया, अभी जो आगे का है वो हम देख लेंगे। अरे मतलब ये पीछे का हॉल वगैरह जो है आपने दिखा दिया ना, अभी आगे का जो बेडरूम है किचन है वो हम दोनों मिलके देख लेंगे। ऐसे कैसे आप लोग देख लोगे? आपको सब कुछ दिखाना हमारा फर्ज बनता है, किराया जो लेंगे आपसे, समझे कुछ? समझ, अभी आप समझाए और हम ना समझे, वैसे ये हर किसी के समझने की बात नहीं है, बस हम ही है जो ये समझ गए। चलिए दिखाइए, आखिर घर देखिए, हम पे एहसान जो कर रहे हैं आप। एहसान? नफरत है मुझे इस शब्द से, ऐसा लगता है कि कोई कान में मूत रहा है। नहीं देना मुझे मकान, निकलो निकलो तुम दोनों बाहर, निकलो बाहर निकलो बाहर। जब से आए तब से यही सुने जा रहे हैं, ये सुन सुन के ना कान में कीड़े पड़ गए मेरे, ये बोलने से पहले मर क्यों नहीं गए तुम? चल निकल, इससे पहले मैं इसका कुछ कर दूं हम निकलते हैं। अरे रुको रुको रुको, क्या है? निकलो बाहर। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूंगा, मेरा मतलब है कहूंगा, और अगर कहा ना तो हम तीनों 10 बाप के, ठीक है? निकालिए डिपॉजिट के 25,000 रुपए, वैसे 30 का भाव चल रहा है, 30 का, आप दोनों 25 ही दे देना। अच्छा चलो 20 दे दो, हाँ लेकिन इससे कम नहीं होगा। हाँ इससे कम हम बोलेंगे ही नहीं, बोलो फोन पे करो गूगल पे करो कैसे करो जल्दी बोलो। जैसे करने में आपको मजा है वैसे कर दो ना, मेरा मतलब है फोन पे गूगल पे जाएगा तो मेरे में ही ना। किनारे किनारे तो देख, देखो आगे का देखो। हाँ आ गया। अच्छा ठीक है, अब अगर यहाँ रहना है तो कुछ शर्तों का पालन करना होगा, ठीक है? अच्छा मतलब पहले डिपॉजिट और उसके बाद में शर्तें, ये तो वैसे हो गया जैसे पहले बच्चा बाद में शुभ मंगल, ठीक है बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? वही जो हर बीवी अपने पति से चाहती है, घर साफ रखना, मंजूर, दीवारों के कलर खराब नहीं होने चाहिए, मंजूर, और दीवारों पर खिले नहीं होने चाहिए, मंजूर, और हर महीने की पहली तारीख को मुझे देना होगा, मंजूर, किराया, और दूसरे तारीख को दिया तो? दो तारीख को दिया ना सीधा बम पे लात मारोगी, पंप पे जाके गिरोगे, और हाँ शराब बाटली और ताटली मतलब शबाब कबाब और शराब यहां नहीं चलेगी सिवाय मेरे। हर रविवार को मेरी यहां पार्टी होगी, महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को मेरी आइटम के साथ मीटिंग होगी, ये सारी शर्तें मंजूर है तो रहना, नहीं तो निकलो बाहर। ठीक है आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है। अभी तुम्हें क्या कर रहा है, वो मकान देकर हम पे एहसान थोड़ी ना कर रहा है, किराए दे हम और तुम का स्नान करे वो, अभी इससे अच्छा दूसरा ढूंढ लेते कोई। अब क्या फायदा, डिपॉजिट दे चुके ऑलरेडी। मैंने पहले ही कहा था ये बंदा मुझे इंटेलिजेंट लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। हेलो जानू, हाँ तुम्हारे 20,000 रुपए का इंतजाम हो चुका है। यस ओके ओके, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं, ठीक है। मेरा हॉल गंदा मत करना। ये हॉल की ना ऐसी की तैसी,
हॉल ना मैं गंदा करके रहूंगा, देखना तू। क्या करे भाई, कब आपके बिना मैं खा नहीं सकता। शराब के बगैर तो मेरी जिंदगी झंड है, और शराब के बिना मैं जी नहीं सकता। क्या करें, क्या करें? निकाल। आप तो महीने के दूसरे और चौथे मंडे को आने वाले थे। आइटम चेंज, प्लान चेंज, खाओ पियो, एंजॉय, एंजॉय डार्लिंग, एंजॉय, कम ऑन, समीर, एंजॉय। अरे यार सुनो ना भाई, गड़बड़ी में ना कॉन्डम भूला है, तुम्हारे पास है क्या? कॉन्डम भी हमें चलेगा तो देखना है क्या मेरे पास है। हमेशा साथ रखता हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। वैसे मैंने कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन पैसे बचाने के लिए थैंक्स। और आप डिस्टर्ब मत करना, चलो डाली। साला सुबह नहीं हो कि आ गया नहीं आइटम लेके। साला ये मैन है, ये सुपरमैन। ये कोई टाइम है भीख मांगने के लिए आने का? अरे सुबह नहीं हुई कि चले आए भीख मांगने, भिखारी कहीं के। निकलो बाहर। कौन हो आप? मालिक हूं मैं इस घर का, और तुम दोनों कौन हो? हम किराएदार हैं। अगर आप मालिक हो तो वो कल आया था हमें घर दिखा के डिपॉजिट लेके गया, वो कौन था? अच्छा, शहर में से कई बदमाश है जो खाली घर दिखाकर डिपॉजिट लेके फंसाते हैं, और तुम दोनों फंस गए हो। भिखारी और मैं, गलती हो गई। अच्छा बेटा उठ जाओ, तुम दोनों उठ जाओ। निकल जाओ यहां से।
और आइंदा से इस मोहल्ले में दिखे ना तो एक एक टांगे तोड़ के रख दूंगा। निकल जा। ₹20,000 भी लेके गया साला, साला अपना लॉज का बिल और कंडोम का पैसा भी लेके गया। तू कहीं पे वो मिल जाए ना साले को, मैं और उसका होल भी नहीं छोड़ूंगा, देखना तू।